जैसा कि हम सब जानते हैं कि COVID-19 कोरोना वायरस का संक्रमण इस तरह बढ़ रहा है, लगता नहीं है कि आने वाले समय में परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। मतलब काफ़ी समय लग सकता है परिस्थितियां सामान्य होने में। तो हमें पढ़ाना तो इसी तरह से डिजी लैब के माध्यम से अपना घर अपना अभियान का जो आयोजन है उसके आयोजन को साकार करते हुए हमको हमारा अध्यापन कार्य कराना है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, इनको करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी स्कूल लगेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड चेक होगा, हमसे पूरा हिसाब लिया जाएगा कि आपने कब क्या पढ़ाया, जो जान तो आपने उसको कहाँ नोट करके रखा हुआ है, वो बच्चों को फिर आपने कैसे समझाया उसको, ये सारी चीज़ें एक दिन हमसे पूछा जाएगा पूरा रिकॉर्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप मेंटेन करके रखें। और इस वीडियो के अंत में एक और वीडियो है जो आपको सहायता करेगा मेरा घर मेरा विद्यालय अभियान को साकार करने में। सभी शिक्षक साथ ही ध्यान दें, ये कार्य पूर्ण कर लें। नंबर एक है, सभी शिक्षकों को शिक्षक समर्थन फॉर्म भरना अनिवार्य है। और ये भी कहा जा रहा है यदि शाला में शिक्षकों की संख्या कम है कक्षाओं के मान से, तो एक शिक्षक को एक से अधिक फॉर्म भी भरना है। इसी में दूसरा है, विद्यालय से सभी कक्षाओं के समर्थन फॉर्म भरे या नहीं और सभी शिक्षकों ने फॉर्म भरे या नहीं, उसकी जानकारी भोपाल से विद्यालयवार कार्रवाई के लिए जिलेवार उपलब्ध कराई जाएगी। तो प्रत्येक शिक्षक को तीन प्रकार के रजिस्टर बनाने हैं। तो वो तीन प्रकार रजिस्टर क्या हैं, देखिए, पहला है शैक्षणिक सामग्री रजिस्टर, दूसरा है विद्यार्थी कॉल रजिस्टर, तीसरा है 5 पालकों से चर्चा रजिस्टर। तो पहला शैक्षणिक सामग्री रजिस्टर कॉलम, तो इसके क्या क्या कॉलम है, नंबर एक है क्रमांक, कक्षा, दिनांक, वीडियो की संख्या और वीडियो का विवरण। विद्यार्थियों का कॉल रजिस्टर, इसके कॉलम है क्रमांक, कक्षा, छात्र का नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, फीडबैक, किस मोबाइल फोन से लिया है। तीसरा है 5 पालकों से चर्चा रजिस्टर, तो इसके कॉलम रहेंगे क्रमांक, कक्षा, छात्र का नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, चर्चा का विषय। तो ये सब विद्यालय खुलने पर जिले की निरीक्षण टीमें इन रजिस्टरों का अवलोकन करेगी और प्रतिदिन भेजी जा रही शैक्षिक सामग्री से संबंधित सभी शिक्षकों का ऑनलाइन टेस्ट भी होना है। जैसे आपने देखा होगी पन्ना जिले का एक लिंक डली हुई थी, इसी तरह से हर एक जिले की लिंक डलेगी और उस पर हमको टेस्ट भी देना है। तो सभी शिक्षक साथ ही ध्यान दें और नियम अनुसार कार्य पूर्ण कर लें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने देखा हमारे बच्चों का भविष्य हम शिक्षकों के ही हाथों में है। इस कोरोना संकट के समय अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। नंबर 1 है चिंतन, नंबर 2 छात्रों की जानकारी की एक तालिका तैयार करना और नंबर 3 है मेरी शिक्षण सहायता योजना तैयार करना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आपको एक बार और देखने की आवश्यकता है। देखिए ध्यान से, पहला कदम है चिंतन। आप तो जानते ही हैं कोरोना संकट काल के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई न रुके इसके लिए हमारे शिक्षा विभाग द्वारा मोबाइल इंटरनेट, सार्वजनिक संचार साधन, रेडियो, टीवी, प्रिंट सामग्री और समुदाय द्वारा शिक्षकों का सहयोग के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को हमारे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाने में अभी तक आपकी भूमिका किस तरह की, कृपया नीचे दिए गए बिंदु पर चिंतन करें। ये सारी जानकारी आपको एक बार और फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। इसी से हमारा घर हमारा विद्यालय जो कदम उठाया गया है, हमारा घर हमारा विद्यालय, वो इसी से सफल होगा। दूसरा कदम है छात्रों की जानकारी की एक तालिका तैयार करना है। तो हमें एक छात्रों की एक रजिस्टर में छात्रों की सारी जानकारी तैयार रखना है और जानकारी का जो प्रोफाइल है वो इस रूप का होगा। जब बच्चे को तो बुलाना नहीं है, पेरेंट्स ही आएंगे उनके भूख लेने के लिए, तो पेरेंट्स से ये सारी जानकारी लेना है। बच्चे का नाम लिखना है, पालक का नाम लिखना है, क्योंकि पालक को ही पुस्तक लेने आना है और पेरेंट्स को तो ये सारी जानकारी पता होगी, तो उससे सारा ये पूरी हमारी जो तालिका है वो फेल हो जाएगी। तो एक तो ये हमारा ये काम हो जाएगा पुस्तक वितरण के साथ साथ। तीसरा कदम है मेरी शिक्षण सहायता योजना। इस कदम का परिणाम एक स्पष्ट योजना जो प्रभावी रूप से मुझे अपने बच्चों के साथ दूरस्थ शिक्षा का संचालन करने के लिए सहायता दे।
वो कहलाएगी मेरी शिक्षण सहायता योजना। तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपने बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों से अवगत हुए हैं। तो सभी ने ये पूरा कोर्स किया हुआ है। जब पालक पुस्तक लेने विद्यालय आएंगे तो पालक से वो सारी जानकारी लेके हम अपनी तालिका भर लेंगे और मेरी शिक्षण सहायता योजना के अंतर्गत देखें क्या करना है, सामग्री है, मोबाइल, टीवी, रेडियो है नहीं, ये सारी जानकारी इस तालिका को फिल करना है। अपनी योजना बनाने के लिए सबसे पहले राज्य द्वारा दी गई दूरस्थ शिक्षा के सभी पहलुओं को अध्ययन कर लें। तो ये जो पूरा जो वीडियो था, जो हमारा दीक्षा या फिर जो प्रशिक्षण हुआ है 14 प्रशिक्षण, वो मूलतः इसी बात पर आधारित है, मेरा घर मेरा विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, डिजिटल लर्निंग को बनाए हुए कैसे बच्चों को अध्ययन कराना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब पूरे से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना है। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, तो ये सारा आप ध्यान से देखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो कोर्स करते समय पढ़ा था वो, उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आप ध्यान से और अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो क्लास वाइज पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं दीक्षा ऐप पर। तो आपने कोर्स किया है, आपको पता है कहाँ कौन सा कंटेंट है और उस कंटेंट का रिवाइज कर लेना है। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस कंटेंट के माध्यम से हमको एक बहुत अच्छी जो सूची मिलेगी वो बहुत प्रभावी होगी इस दूरस्थ शिक्षण में, क्योंकि हमें पूरा डाटा मिल जाएगा। जब पेरेंट्स से आए तो उससे ज़रूर पूछ लेना है उनके पास कौन सा संसाधन है बच्चों की पढ़ाई के लिए। रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल है, रिचार्ज करवाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं, ये सारी चीज़ें, और बच्चों को समय कब मिलता है और उनको मोबाइल आप कब देते हैं, ये सारी बातें उनसे क्लियर कर लेना है। धन्यवाद।
और जिनके पास रिचार्ज नहीं है, पड़ोस के बच्चों से बोलना है, तो ये सब हमको अपने हिसाब से कर लेना है। टीवी है, रेडियो है, प्रिंट सामग्री है, मोबाइल टीवी रेडियो है नहीं है, ये सारी जानकारी इस तालिका को फिल करना है। अपनी योजना बनाने के लिए सबसे पहले राज्य द्वारा दी गई दूरस्थ शिक्षा की सभी पहलुओं को अध्ययन कर लें। दीक्षा ऐप पर जो प्रशिक्षण हुआ है, चौथा प्रशिक्षण, वो मूलतः इसी बात पर आधारित है, मेरा घर मेरा विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, डिस्टेंस लर्निंग को बनाए हुए कैसे बच्चों को अध्ययन कराना है। तो ये सारी चीज़ें आप जब पूरे से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि हमको किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना है। वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए, तो ये सारा आप ध्यान से देखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे तो कोर्स करते समय पढ़ा था वो उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आप ध्यान से और अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो क्लास वाइज पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं दीक्षा ऐप पर। तो आपने कोर्स किया है, आपको पता है कहाँ कौन सा कंटेंट है और उस कंटेंट का रिवाइज कर लेना है। साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस कंटेंट के माध्यम से हमको एक बहुत अच्छी जो सूची मिलेगी वो बहुत प्रभावी होगी इस दूरस्थ शिक्षण में, क्योंकि हमें पूरा डाटा मिल जाएगा। जब पेरेंट्स से आए तो उससे ज़रूर पूछ लेना है उनके पास कौन सा संसाधन है बच्चों के पढ़ाई के लिए, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल है, रिचार्ज करवाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं, ये सारी चीज़ें, और बच्चों को समय कब मिलता है और उनको मोबाइल आप कब देते हैं, ये सारी बातें उनसे क्लियर कर लेना है। धन्यवाद।